स्वागत है सेंट्रल अमेरिका के सबसे लीस्ट टूरिस्टिक कंट्री। पिछले साल 4000 मौत मर्डर रिकॉर्ड किया गया था। होंडुरस और उसका डेंजरस कैपिटल टेगुसिगाल्पा पे। मैं पुलिस के आसपास हूँ। पुलिस मेरे को घर आए, कोई कैमरा लेके तो कोई आता नहीं है, ट्रैवलर ही नहीं आते, ब्लॉगर तो दूर की बात। जिसे हर बैकपैकर स्किप करता है, पर मैं पहुंच गया था एक्सप्लोर करने। सब मेरे को घूर रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैं सेंटर में हूँ, सब मेरे को घूर रहे हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर होंडुरस विद योर एक्सप्लोरर राजा। बिंदल तो उन्होंने मेरे को पूछा कि कहाँ से हो। मैंने बताया इंडिया से हूँ। बताया मेरे परदादा भी इंडिया से है। मैंने बोला अरे मजाक चल रहा है क्या, तुम्हारा परदादा यहाँ पे होंडुरस में इंडिया से कैसे होंगे। फिर इसने नाम बताया, कुछ बिंदल है। लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1,00,000 से भी कम, और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज सारे बाई क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन ईटिंग एंड एंजॉय एंड पार्टिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद योर एक्सप्लोरर राजा। होंडुरस पे दिन की शुरुआत होती है यहाँ से, ये मिडिल क्लास नेबरहुड जहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के बाहर गेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हर गेट में एक कोई बंदा रहता है प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसा सीन है। दोपहर के अभी सुबह के अभी 11 बज गए। हम लोग जा रहे हैं डेंजरस कंट्री के डेंजरस कैपिटल के डेंजरस सेंटर पे। स्वागत है होंडुरस। जी हाँ, ये भी सेंट्रल अमेरिका ही है, ये भी होंडुरस ही है, और इधर भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, इधर भी लोग कॉफ़ी लेके चलते हैं। बट क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ एक कंट्री मुझे ऐसे मिला जहाँ पे ऐसे बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग्स नहीं मिले, वो था बेलीज। बेलीज में ऐसा इंडस्ट्रियल ऑफिशियल बिल्डिंग कुछ नहीं था। एल साल्वाडोर में भी था और ग्वाटेमाला में भी था, अभी होंडुरस में भी दिख रहा है। डेंजर है तो क्या हुआ, पैसे भी है, सही है ना। पीछे सारा ऑफिशियल एरिया था और सामने है सारा बस्ती, तो ऑफिशियल एरिया टेक्निकली तो थोड़ा सेफ रहता है, बट आंसर तो पूरा कंट्री है। हम लोग बस्ती एरिया की तरफ जाएंगे कि नहीं नहीं पता, बट मैं कंफ्यूज हूँ किधर जाना है। मेरे को सिम कार्ड चाहिए, सिम कार्ड कहाँ मिलेगा, सिम कार्ड ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो ये खाना ले लिया मैंने मोड़ के छोर पे, इंडस्ट्रियल एरिया के मोड़ पे छोर पे ऐसा दुकान था, 30 का बड़ा मतलब 90 रुपये। इसमें क्या है, चावल है अपना, वही बीन्स और सलाद है। और कैसा, कल मैंने खाया था एक अलग यहाँ का खाना, वो आपको दिखाता हूँ, वो अच्छा था, रात को खाया था मैं। तो होंडुरस में फाइनली अपना मक्के का कॉर्न का छोटा छोटा यहाँ पे मैदे का रोटी बनता है, इतना बड़ा बड़ा, सही है, मैदे का रोटी बना रहे हैं बड़े बड़े। और यहाँ का स्टेक आप कुछ भी बना सकते हो, एक रोल टाइप का, तो मैं ले रहा हूँ गुआकामोली। ये भी अच्छा है। हम लोग आ गए एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही यूएस जैसा लग रहा है, नोवा सेंट्रो कहते हैं इसको। लग रहा है कि यूएस के किसी मॉल एरिया पे आ गए, वैसे बड़ा मॉल एरिया है, सेफ्टी है, बहुत कुछ है, बट अनसेफ जगह पे जाएं अभी तक नहीं गए, क्योंकि पहले सेफ देख लो फिर अनसेफ देखना। तो क्लियरो का सिम कार्ड ले लिया, इतने दिनों से मैं टीगो का ले रहा था। बात सेम है, अगर आप एक कंट्री में लोगे इन सेंट्रल अमेरिका के 4 कंट्रीज़ में, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, तो सारे कंट्रीज पे काम करेगा। मेरा टीगो ख़त्म हो गया तो क्लियरो ले लिया, $5 में मिल गया 7 दिन का, थोड़ा महंगा पड़ा, जबकि एल साल्वाडोर में $4 में 8 दिन का मिल गया था, पर 12 GB इंटरनेट है तो काफ़ी है। तो डीजल आपने देख लिया 21.3, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो
कितना हो गया, 26 65 रुपीज़ लीटर का है, और पेट्रोल शायद 75 या फिर 80 रुपये लीटर का है। तो तेल तो सस्ता निकला इधर इंडिया से, बाकी इधर भी फ्री में वैक्सीन मिल रहा है। मैं चल रहा हूँ, शाम के अभी नहीं, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, मेरे किसी भी तरह 5-5:30 बजे के अंदर ख़त्म करके निकलना है अपने घर की तरफ, क्योंकि रात में नहीं घूमना है बाहर। और मैंने सबसे पूछा कि यार कौन सा एरिया सेफ रहेगा, कौन सा एरिया अनसेफ रहेगा, तो सिटी का जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, साउथ ईस्ट और सिर्फ ईस्ट, वो एरिया बहुत सेफ है। बाकी नॉर्थ वेस्ट में एक दूसरा सिटी का पार्ट है, तेगुसिवा का दूसरा पार्ट, सी से कुछ नाम है, वो एरिया बहुत अनसेफ है, वहाँ पर तो कतई मत जाओ। और अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ, ये एरिया भी अनसेफ है, ये एरिया भी अनसेफ है, पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि सिटी सेंटर है तो पुलिस रहेगा, और दिन दिन मैं घूम लेता हूँ, खुद भी देख लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। हटी तो पड़ी है मेरी भी, पर चलते हैं। मैंने पूछा कि क्या आप कैसे करूँ, मतलब भगवान मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे पुलिस देख रहे हैं मेरी हटी पड़ी है, तो लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पे आपको देखे बहुत सारे गाड़ी चल रहे हैं, रास्ते हैं, रास्ते में गाड़ी है, उधर चलो, खाली रास्ता दिखे तो उससे स्किप मारो, तो अभी यहाँ पे गाड़ी है, लोग हैं, तो ठीक है। वैसे ऊबर चलता है, कितना ऊबर पे भरोसा कर सकता हूँ उसका तो नहीं पता, पर ऊबर चलता है। ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में ही टाइट सिक्योरिटी है, गली गली में पुलिस है, ये तो एल सालवाडोर से ही देखने में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। पिछले साल 4000 मौत मर्डर रिकॉर्ड किया गया था, इस साल थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आबादी कम नहीं है, मर्डर भी कम होगा शायद। यह नेशनल पार्क मैंने गुआवा ले लिया था 15 में गुआवा लिया था, ये नेशनल पार्क है, मेन सेंटर, लोग हैं, पुलिस भी है, और एक चर्च है, यहाँ पे 4000 मरे लोगों का हर साल प्रे किया जाता है कि और ना मरे। ये कौन है मेरे को नहीं पता, बाकी ये स्टेज है, काश ये भी एक पीसफुल कंट्री होता तो हम लोग पीसफुल एक्सप्लोर कर सकते थे, मैं वो से बात कर सकता था, बट मैं बस मैं पुलिस के आसपास, तो पुलिस मेरे को घर रहा है, कोई कैमरे लेके तो कोई आता नहीं है, पर ड्राइवर ही नहीं आते, ब्लॉगर तो दूर की बात, बट आपका एक्सप्लोर आ गया, सब मेरे को घूर रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैं सेंटर में हूँ, सब मेरे को घूर रहे हैं, सब चारों ओर से मेरे को घूर रहे हैं, मेरी गांड फट गई, अभी गांड पूरी फट गई क्योंकि सब मेरे को घूर रहे हैं, भागो यहाँ से। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, सेंट्रल अमेरिका सबसे लीस्ट टूरिस्टिक सिटी में कह सकता हूँ, सबसे लीस्ट टूरिस्टिक, कुछ है नहीं खास कर, देखो डेंजर है, और यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर खोल कर रखा है, बस ऑफिस ही बना है, अंदर कोई नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है, बस सही है। चलो आप लोगों को थोड़ा चर्च के दर्शन कराता हूँ। मैं एक बार एक कैफ़ी शॉप में था, और कैफ़ी शॉप में ऐसा लॉक लगा है लोहे का, अभी शाम हो रही है, बज गए 5 नहीं 6:45 बज गया,
तो 10 मिनट के अंदर मेरे को अपना ट्रांसपोर्ट लेना है क्योंकि उसके बाद रात हो गई है। सेफ है कि नहीं तर्क में नहीं जाते, खुद को सेफ रखना है, अपनी गांड बचा के चलना है, तो चलो। आपको दुनिया भर के बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आपको डेंजरस कंट्रीज में रात को लेके जाएंगे, उनके साथ जनरली क्यों रहता है। तो एक छोटा यूट्यूबर हो, छोटा ट्रैवलर हो, तो मेरा आपको अपनी जान की बाजी नहीं लगाना है। मैं आप लोगों को होंडुरस का नाइट लाइफ या फिर रात में एक्सप्लोर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। कलेक्टिवो ले लिया, शेयर टैक्सी टाइप का होता है, बस नहीं मिल रहा था इसलिए कलेक्टिवो ले लिया। और मैंने पूछा लोकल से, बोला कि कलेक्टिवो लेना ज़्यादा सेफ रहता है, देखें क्योंकि आज बारिश कम है तो ट्रैफिक भी कम है। एनीवे इसका लगा 20 मतलब 60 रुपये और बस का लगता है 13 यानी कि ऑलमोस्ट 40 रुपये, तो ठीक है। बट मेरे को बस में ज़्यादा सेफ लगता है, बट लोगों ने बताया कि बस कम सेफ है, पर पता नहीं मेरे को बस में क्यों ज़्यादा सेफ फील होता है हर बार। एनी हो आज आ गए, कुछ लोगों से मिला हूँ, कल मिलने वाला हूँ उनसे और कल दिखाऊंगा बाकी का सेंटर और क्या क्या देखने लायक है होंडुरस में और बातें करेंगे होंडुरस के बारे में। आप लोगों से बहुत लोग बोलते हैं कि भाई लोकल से बातें करो, लोकल से इंटरेक्ट करो, लोकल की एक्सपीरियंस जानो और तभी आएगा वीडियो में मज़ा। बट होंडुरस इतना डेंजरस था कि मुझे ज़्यादा इंटरेक्शन करने में डर लग रहा था कि लोगों को पता ना चल जाए कि ये बाहर का है, इसके पास बहुत पैसे है, इसको लूटते हैं। क्योंकि बसेस में मैंने सुना है कि लोग आ जाते हैं मुंह में रुमाल बांध के और सबको लूट के निकल जाते हैं। मेरे जो होस्ट थे उनको 2-3 बार लूटा गया था, तो मैं क्या करता था अपना वॉलेट में अपने पास नहीं रखता था, बस कुछ कैश हाथ में रख के, और कैमरा और मोबाइल तो रहना ही पड़ेगा, वो दोनों तो लाइबिलिटी है, बट बहुत डर लग रहा था। इसी वजह से ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं पड़ रहा है इन होंडुरस ट्रिप। तो वो है एरिया जो आप ऊपर देख रहे थे, पहाड़ों में पूरी बस्ती है, वो है सबसे डेंजरस एरिया। इस एरिया का नाम है कोमाया गुलिया, वो डेंजरस एरिया है। और भाई कुछ यूट्यूबर्स होंगे जो डेंजर खेलने के लिए यूट्यूब में व्यूज़ पाने के लिए जाएंगे उस एरिया पे, बट मैं नहीं जाने वाला क्योंकि देखो यार डेंजर सामने से टेस्ट करना यमी है, इंटरेस्टिंग है, बट ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि मर गए और रिस्टार्ट गेम कर दिया, फिर हेडफोन निकाल के फ्रिज पे पानी निकाल के पीना शुरू कर दिया। यहाँ पे कुछ हुआ ना तो ख़त्म, तो मैं उतना रिस्क नहीं लेने वाला। अभी जो कर रहा हूँ यही रिस्क है कि टेगुसिगाल्पा के शहरों में ये दूसरा दिन है मेरा और मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, बट उस एरिया में नहीं जाने वाला। दोपहर के 1 बज गए और 4 घंटे हैं, 4-5 मैक्सिमम 5 घंटा है अपने पास सब करने के लिए, क्योंकि 6 बजे के अंदर मेरे को अपने घर का टैक्सी या फिर ट्रांसपोर्ट में बैठना है। तो मैं यहाँ पे बैठ के हॉट डॉग खा रहा था और बातें कर रहा था। अमी को कौन थे तू पापा? मनोहर सत्ता नहीं बिंदल। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि कहाँ से हो, मैंने बताया इंडिया से हूँ, और फिर बोलता है मेरे परदादा भी इंडिया से हैं। मतलब अरे मजाक चल रहा है क्या, तुम्हारा परदादा यहाँ पे होंडुरस में इंडिया से कैसे होंगे? फिर इसने नाम बताया कुछ बिंदल है, बोला बिंदल तो वही होता है। तो फिर मुझे याद आया कि जो ऐसे बेलीज में बहुत सारे इंडियंस है ब्रिटिश लाए थे, तो बेलीज का बॉर्डर होंडुरस के साथ साथ आता, तो तब तो ये सारे कंट्रीज एक साथ ही थे, तो वैसे ही इनके परदादा आए होंगे और अभी ये लोग यही के बन गए। फिर कौन सो रिलीजन ने तू अबोला? मेरा अबोला है संदेश है या मेरा अबोला है हमारा फेडरिको सतानी बिंदल। सब बिंदल है, मजा आ गया ये इंफॉर्मेशन आके, इंडियन का खून इधर भी दौड़ रहा है। मीबेन क्यों ऑल्सो गेटिंग सम बियर फ्रॉम होंडुरस समथिंग लोकल, दिस इज अ लोकल वन सवाना, आई हैव ट्राइड ऑलरेडी एंड दिस इज अनदर वन and this is more cheap today, just 17.65, which is like 50 rupees or 70 cents for one. तो होंडुरस में क्या होता है ना, लोग बाहर तो पार्टी थोड़ा कम करते हैं क्योंकि अनसेफ है ना। अभी रात को सोचो लोकल्स पार्टी करेंगे रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक, और फिर निकलेंगे टैक्सी ले या जो भी ले पिए रहेंगे, सेफ्टी बहुत कम है। तो होंडुरस में पार्टी जनरली एक ऐसी लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में तो पार्टी रात बहुत होता है, आप मेरे बाकी के वीडियोस देख चुके हो या फिर आगे वाले देखोगे,
बट हॉन्डुरस में क्या होता है, हॉन्डुरस में पार्टी जनरली घर पे होता है। अभी जैसे मैं अपने काउंसलिंग हॉस्टल के घर हूँ, सैटरडे नाइट है और मैं चिल कर रहा था, एडिट कर रहा था, अचानक रात के अभी कितने बज गए, रात के अभी 2:20 बज गए और कोई स्पेशल पार्टी नहीं, नॉर्मल सैटरडे घर में पार्टी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लोग ही लोग हैं, काम कर रहे हैं। मैं तो किसी को जानता भी नहीं, बट किचन में ऐसा घर वाला पार्टी चल रहा है यहाँ पे होनरस में, ऐसा ही है। घर में घुस के देख ले, बड़ा स्पीकर था तो सब घर में पार्टी करते हैं। वैसे भी ये बड़ा घर है और हर हर मतलब गली गली में, हर घर में बहुत सेफ्टी है, सब आ गए यहाँ पे पार्टी करने। तो यही था नाइट लाइफ अपना होनरस में, इससे ज्यादा तो कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ किया ही नहीं मैंने। Estamos en Honduras.